हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। क्या फ्रेंड्स, आप अपने व्हाट्सएप के कीवर्ड बैकग्राउंड में अपना खुद का फ़ोटो लगाना चाहते हैं? और दोस्तों, आपको नहीं मालूम है व्हाट्सएप के कीवर्ड बैकग्राउंड में अपना खुद का फ़ोटो कैसे लगाया जाता है? तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने व्हाट्सएप में कैसे फ़ोटो लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना है, आपका व्हाट्सअप जहाँ पे भी होगा आप अपने व्हाट्सअप को सिंपली ओपन कर लेंगे। दोस्तों, जैसे व्हाट्सअप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, किसी का भी नंबर आपको सिंपली ओपन कर लेना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए कि नंबर को ओपन कर ले रहा हूँ। उसका दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैसेज है, आपको सिंपली इस मैसेज वाले पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपका कीवर्ड जो है ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कीवर्ड के बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाने के लिए यहाँ पर देखेंगे सेटिंग्स का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ देखेंगे थीम्स का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली इस थीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेरा जो कीवर्ड का थीम लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं और भी कीवर्ड है जो कि कीवर्ड का ही है। दोस्तों, आप कीवर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना खुद का लगाना चाहते हैं तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है माई थीम्स। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन, आपको सिंपली इसी वाले पे क्लिक कर दे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप थीम्स पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका गैलरी का फोटो जो है ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आप देखेंगे थ्री लाइन का एक ऑप्शन, आपको सिंपली थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसका दोस्तों देखेंगे आप इमेज का ऑप्शन है, आपको सिंपल इमेज वाले पे चले जाना है। उसका दोस्तों देखेंगे यहाँ पे व्हाट्सअप इमेज, व्हाट्सअप इमेज स्क्रीन शॉट, पिक्सल लैब, डाउनलोड कैमरा। और उसका दोस्तों देख सकते हैं जितना भी फाइल रहेगा आपका फोटो जहाँ पे भी होगा उस फाइल को ओपन कर लेंगे। दोस्तों, मेरा फोटो जो है माई लोगो में है, तो दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूं। आपका फोटो जिस भी फाइल में होगा आपको सिंपल उसी फाइल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहां देख सकते हैं मेरा लोगो जो आ गया। मैं यहां पे सिंपली फिर से लोगो पे क्लिक कर दूंगा इसे लगाने के लिए अपने कीवर्ड के बैकग्राउंड में। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहां देखेंगे नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, डन का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक पेंसिल का आइकन है और एक अप्लाई का आइकन है, एक डिलीट का आइकन है। डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिंपल अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं इस पर टिक लग गया है और मेरा कीवर्ड का जो बैकग्राउंड में फोटो है ये लग गया है। आप ऐसे ही अपना फोटो कीवर्ड के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं मेरे व्हाट्सअप के कीवर्ड बैकग्राउंड में ये फोटो जो है लग गया है, जो कि मेरे चैनल का लोगो है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने व्हाट्सअप के कीवर्ड बैकग्राउंड में अपना फोटो या कोई भी फोटो कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक दूसरे वीडियो में।